ये देखिए, मैंने काफ़ी सारा सामान इस वॉल हैंगिंग में यूज़ करूँ। सारा सामान मैंने मार्केट से परचेज़ किया है, जैसे ये बॉल्स वगैरह है, गिफ्ट्स है, डमरू है, ये आउटर के लिए है, ये दो तरह के फ्लावर लिए हैं मैंने। देखो, एक इस तरह का फ्लावर लिया है, कुछ डायमंड्स है, कुछ फ्लावर्स है, लेस है, ग्लू है, ये राउंड वाला, कुछ डायमंड्स है और ग्लू स्टिक है। देखिए, इन सभी सामानों को से यूज़ करके मैं एक बहुत अच्छा वॉल हैंगिंग बनाने वाली हूँ। जैसे मैंने क्रिसमस का ये भी लिया है, मैरी क्रिसमस, ठीक है। एक छोटू सा सेंटा, ये तो बताना मैं भूल ही गई थी, ये तो सबसे मेन होते हैं। इसको कुछ इस तरह से मैं चारों तरफ लगाने वाली हूँ इसकी। ये देखिए, यूँ करते करके को चारों तरफ से वो करते जाएंगे। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये लगाते जाएंगे इसको। इसको मैं चारों तरफ से राउंड राउंड करके लगा रही हूँ। अभी से देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है ये। देखिए, राउंड में लग गया है। अब इसको मैं कुछ इस तरह से लगाने वाली हूँ जिससे ये दोनों ऐसे सेंटर में आए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो मैं ग्लू गन की हेल्प लेके इसको यहाँ से इसको अटैच कर दूँगी। ये देखिए, इसको भी यहाँ भी ग्लू लगा देती हूँ। ये देखिए, कुछ कुछ रेडी है। अब इसमें फ्लावर वगैरह, लेस वगैरह थोड़ा सा और डेकोरेट कर देती हूँ इसमें थोड़ा। अब मैं राजस्थानी हूँ तो थोड़ा सा गोटा पत्ती का टच किए बिना वो चीज़ अधूरी है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा गोटे का यूज करूंगी। वो तो बनता ही है। मैं इस तरह कुछ कुछ गोटे का यूज कर रही हूँ उसमें। राजस्थानी लोग हो तो गोटे का यूज ना करे तो वो चीज़ अधूरी मानी जाती है।
इसके अंदर से भी थोड़ा सा। और ये थोड़ा सा यहाँ से इसके अंदर से भी। ये देखिए अब इसको कैची से कट कर देती हूँ, उसके बाद ग्लू गन से इसको यहाँ पे चिपका देती हूँ। ये देखिए काफ़ी हद तक तो बनके तैयार है ये। अब इन फ्लावर्स को इस तरह अटैच कर देते हैं, एक रेड और दो ग्रीन वाइट फ्लावर के ऊपर थोड़ा इस तरह से। और फिर इनको यहाँ पे अटैच कर देते हैं, रेड को सेंटर में कुछ इस तरह से इनको यहाँ लगाया है। अब इनको यहाँ पे सेंटर में लगाऊंगी। ये आप देख सकते हैं ये देखिए ये कुछ इस तरह से अभी बनकर रेडी हुआ है।